आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और उस चर्चा में एक खास मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं जिनकी चर्चा मनुष्य मीडिया में काफ़ी हुई थी, और उनकी चर्चा किस प्रकार से हुई थी आपने जब टीवी में जब वो खबरें देखी होगी। मैं बात कर रहा हूँ हाथरस कांड की, और हाथरस कांड में एक एंगल आया था जाति हिंसा का और दूसरा एंगल आया था नक्सली कनेक्शन का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नक्सली भाभी, जो ये जो लाइन दी गई थी ना, इस लाइन से आप समझ सकते हैं इस लाइन का क्या अर्थ होता है। जैसे ही नक्सली भाभी कहा गया तो आदमी सोचने पे मजबूर हो गया कि ये नक्सली भाभी आखिर कौन है। तो कहीं ना कहीं ये TRP का मामला था, और TRP ही नहीं, इसके पीछे दूसरा मामला था जिसे मैं षड्यंत्र कह सकता हूँ, जिसे मैं कह सकता हूँ कि आपकी आवाज़ को दबाने का एक तरीका था। मैं कह सकता हूँ कि जुर्म के खिलाफ बोलने वालों को खामोश करने का एक बहुत बड़ा एक औजार था जिसे मनुष्य मीडिया ने अपनाया। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राजकुमारी बंसल की, जिसे ये मेनस्ट्रीम मीडिया नक्सली भाभी कह रहा था। दोस्तों, ये जबलपुर की रहने वाली, मध्य प्रदेश के जबलपुर। आपने भी जब ये समाचार सुनी, हाथरस की जो गुड़िया है उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ, जो बर्बरता हुई, और उसके बाद प्रशासन के माध्यम से या सरकार के माध्यम से उसकी जो लाश है या उसका जो शव है वो परिवार को नहीं सौंपा गया, परिवार ने उसे देख नहीं पाया अंतिम समय में, और आधी रात को जोर जबरदस्ती करके परिवार को बंदी बनाकर उस गुड़िया को जला दिया गया पेट्रोल डालकर। जब यह हृदय विदारक घटना आपको भी पता चलेगी, यदि आप में संवेदनाएं हैं, आपके अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं, यदि आपके अंदर जरा भी इंसानियत है तो आपको भी दर्द महसूस होगा। तो इसी दर्द को महसूस करते हुए देश के काफ़ी लोगों ने, मैं अगर करोड़ों लोगों की बात करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, देश के करोड़ों लोगों ने इसके खिलाफ में आवाज़ बुलंद की। सबने अपने अपने तरीके से, कुछ लोग घटना स्थल पर गए और कुछ लोगों ने अपने घरों में बैठते हुए गुड़िया को याद किया, और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने यह अपराध को कायम किया है, इस अपराध को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ में कहीं ना कहीं उन्होंने गुस्सा जरूर जाहिर किया किसी भी माध्यम से। इसी में एक नाम आता है डॉक्टर राजकुमारी बंसल का, जो कि जबलपुर की है, और वह इसी मामले को देखने के लिए, इस मामले को संज्ञान लेने के लिए वो पहुंच गई हाथरस, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और पीड़ित परिवार से जब मिलने पहुंची तो पीड़िता के जो पिता हैं उनसे उन्होंने कहा कि आपकी एक बेटी गई है लेकिन दूसरी बेटी आपकी है, आज से मुझे आप अपनी बेटी मानिए। दोस्तों, ये बात कहना क्या अपराध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दुख की घड़ी में यदि परिवार को हम ढांढस बंधाए, क्या ये गलत है? यही गलती इन्होंने की, डॉक्टर साहिबा ने की, कि परिवार को उन्होंने ढांढस बढ़ाया और अपने एक महीने की सैलरी दे दिया और ये भी कह दिया आज से मुझे आप अपनी बेटी मानिए और जो एक बेटी का फर्ज होता है उसे मैं पूरा करूँ। ऐसा कहने की ही देरी हुई थी। उस समय मीडिया कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था, सरकार के इशारे पर अगर मैं कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं हो, मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूँ कि सरकार के इशारे पर ये सब हुआ। दोस्तों, सभ्य समाज में यदि कोई किसी के दुख में जाता है, किसी की आवाज़, किसी के न्याय की आवाज़ अगर बनता है तो उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन आज हम किस दहलीज पर आकर खड़े हो गए हैं, हम उसे सम्मानित नहीं कर रहे हैं, हम उसे नक्सली बता दे रहे हैं। हम पीड़ित के दुख में अगर शामिल हो रहे हैं तो लोग हमें ही पीड़ित बना दे रहे हैं, लोग हमें ही अपराधी बना दे रहे हैं। इसी विषय पर हमने डॉक्टर राजकुमारी बंसल से बातचीत की। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मीडिया में जिस प्रकार से आपकी खबरें चले, आपको नक्सली भाभी जैसा शब्द कहा जा रहा था जिससे मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बात जरूर मैं जानता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब के परिवार से संबंध रखने वाले मिलिंद तेलतुंबड़े हैं जो अभी जेल में, उन पर भी आरोप ये लगाया कि ये अर्बन नक्सलवादी हैं या नक्सली कनेक्शन है, और पुलिस आई आज उन्हें जेल में डाल चुकी है। पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने से ज्यादा हो गया, आज वो जेल में है। जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं उन पर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, आप पर इस प्रकार का आरोप क्यों लगाया गया? मीडिया में जिस प्रकार से जो आरोप एक कहानी बनाकर दिखाई गई, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
मुझे तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि मेरा मकसद था कि मैं पीड़ित परिवार की मदद के लिए जा रही हूँ, जहां मैं महसूस कर रही थी कि आरोपियों के पक्ष में काफी लोग खड़े हैं, पूरा सिस्टम खड़ा है, पूरी पंचायतें हो रही हैं, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो अकेला अलग थलग पड़ गया है और पूरा उत्तर प्रदेश से एक कोई शख्स ऐसा नहीं दिखा मुझे, मतलब चैनल्स के थ्रू पता नहीं चल रहा था कि वो परिवार के साथ है और परिवार किस हालत में है और उन्होंने परिवार ने किया क्या है, उनको नजरबंद क्यों किया जा रहा है, बंदी क्यों बनाया जा रहा है। तो ये सब चीजें बड़ी अजीब थी और मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों नक्सली बताया गया, क्योंकि मैं तो केवल मदद करने गई थी, मैं तो जस्ट माता समझ लीजिए या महिला होने के नाते समझ लीजिए या शेड्यूल कास्ट होने के नाते समझ लीजिए या डॉक्टर होने के नाते समझ लीजिए या फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते समझ लीजिए। मेरे पास बहुत सारे कारण थे कि मैं शायद कुछ ना कुछ तो वो बात कंसिडर कर लेंगे और मुझे शायद मदद मिलने देंगे परिवार से। जिस प्रकार से आप वहां पे गई, तो अभी आपके पास कोई ऐसी चार्जशीट मिली है, जो कोई ऐसी कॉपी मिली है सरकार के द्वारा या पुलिस के माध्यम जिससे आप ये आरोप लगाया जा रहा है, वो आपके पास कुछ आया है लिखित में? नहीं सर, अभी लिखित में कोई आरोप पत्र मुझे नहीं मिला है, किसी ने संपर्क नहीं किया मुझसे। कहीं ये मीडिया के द्वारा जानबूझ के इस प्रकार की कहानी तो नहीं बनाई जा रही? जाहिर हो रहा है अभी तक कि केवल मीडिया, अखबार और इनकी आईटी सेल द्वारा ये झूठा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, बाकी सिस्टम के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस या एसआईटी किसी ने मुझे अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहती है इस विषय पे कि कोई व्यक्ति, आप एक महिला है, एक महिला या पुरुष या इस देश का कोई भी नागरिक न्याय के पक्ष में अगर आवाज उठाएगा तो क्या उसको इसी तरीके से टारगेट किया जाएगा? यदि इसी प्रकार से टारगेट किया जाएगा तो क्या आने वाले समय में आम व्यक्ति अपने घर बार छोड़ के या अपने परिवार को छोड़ के या जो युवा हैं या अन्य जो लोग हैं वो कहीं जाएंगे किसी की मदद के लिए, किसी की मदद के, किसी दुख में खड़े होने कैसे जाएंगे यदि सरकार के द्वारा या मीडिया के द्वारा इस प्रकार से कुप्रचार किया जाएगा, दुष्प्रचार किया जाएगा? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सर आप देख रहे हैं कुछ सालों से देश का माहौल ऐसा बन गया है कि हमेशा कुछ भी बद से बदतर क्राइम होता जा रहा है किसी भी तरह का, लेकिन है ना लोग है ना आरोपियों के समर्थन में बहुत आसानी से खड़े हो जाते हैं, वहां पीछे आरोपियों के पीछे बहुत अच्छी भीड़ लगा लेते हैं, कभी तिरंगा यात्रा करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ, तो आप देख ही पा रहे हैं। और दूसरी बात रही बात कि जो पीड़ित परिवार था वो बिल्कुल अकेला था, ये पता चला मुझे वहां जाके कि वो पूरे गांव में केवल दो या तीन घर थे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की जिसकी वो पीड़िता थी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से या सिस्टम से या कोई भी उनके पीड़ित के साथ खड़ा रहता या मीडिया के थ्रू देश देख पाता कि पीड़ित परिवार क्या है, किस हालत में, तो शायद मुझे भी नहीं लगता कि जाने की जरूरत है। पर मुझे लगा कोई भी नहीं जा रहा है तो एक सिंगल व्यक्ति तो जा सकता है, सिंगल व्यक्ति से सिस्टम को क्या परेशानी हो सकती है, ये सोच के मैं गई। अगर आपको लगता है कि किसी की मदद करना ऐसा गुनाह है तो डेफिनेटली भविष्य में कोई इस तरह के प्रयास नहीं करेगा, अरे यार किसी की मदद की और हम फंस गए, तो कोई नहीं आगे आगे आएगा इस तरह से। जी जी, अच्छा जो घूंघट में जो एक महिला टीवी में दिख रहा था, कई बार टीवी वाले कह रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे थे कि वो आप हैं, हालांकि आपकी आवाज हमें स्पष्ट नजर आ रही है कि आपकी आवाज कैसी है, आप किस प्रकार से बात कर रही हैं, लेकिन वो जो घूंघट वाली जो महिला थी, क्या वो आपको टारगेट किया जा रहा था? क्या आपको, आपने मुझे परिवार से मिली तो वहां कोई ऐसी कोई महिला थी लड़की की भाभी? घूंघट में ज्यादातर मैं जो देखा मैंने वहाँ भाभी थी, जो पीड़िता की भाभी थी वो घूंघट में ज्यादातर रह रही थी, वो अपना काम भी कर रही थी, वो मीडिया से भी इंटरेक्ट कर रही थी। मैं तो कभी भी घूंघट में नहीं रही, मैं सर वहाँ स्टे करने रुकने के मकसद से गई नहीं थी, मैं जस्ट मिलने गई थी और मदद करने गई थी, लेकिन परिवार को लगा कि ये वाकई में जेन्यून है और वाकई में दुख समझ के आई ये लड़की इतनी दूर से, तो उन्होंने रोक लिया और फिर मैंने सोचा कि चलो इनको जरूरत इतनी तो फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए, रुकना चाहिए अगर इनको लगता है कि रुक सकती हूँ अगर मैं, तो रुक गई। और सर मैं कोई भी अपना सामान नहीं ले गई थी, मैं तीन दिन 4 को 5 को 6 तक 6 की दोपहर तक मैं वहां पर थी, एक ही सूट में मैं रही हूँ, मैं नीले कलर का सूट है हमेशा, मैं बस उसी में रही हूँ, मैं कोई सामान नहीं ले गई थी वहां पर हाथरस। अच्छा मैडम, आपके जो सहयोग में या बोलना चाहिए आपके समर्थन में, हमने सुना है कि राज्यसभा के सदस्य या सांसद विवेक तनखा जी हैं, उन्होंने आपके पक्ष में खुलकर सामने आए। दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, विवेक तनखा सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एक अधिवक्ता हैं, वो कानून के काफी अच्छे जानकार हैं, वो उन्होंने इनका पक्ष लिया है। मैडम आपने जब ये जानकारी आपको प्राप्त हुई, मैंने ये देखा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी आपके पक्ष में आवाज उठाई है और भी काफी लोगों ने, जब आपने देखा कि लोग आपके समर्थन में खड़े हो रहे हैं तो तब आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपने ऐसे लोगों से संपर्क किया था कि वे आपकी मदद करें?
सर सबसे अच्छा पहलू ये रहा है मेरे साथ जो घटित हुआ, मैंने किसी से संपर्क नहीं किया। इनफैक्ट जो जिनसे मुझे उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, जो मेरे लिए बहुत फैमिलियर थे, उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा कट ऑफ कर दिया कि वो ऐसा बिहेव करने लगे कि जैसे राजकुमारी बंसल को जानते ही नहीं है। लेकिन जब मुझे पता चला कि विवेक तनखा जी ने मेरे फेवर में ट्वीट किया है, दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है, और डॉक्टर हीरालाल अलावा जी ने ट्वीट किया है, कलामा जी ने ट्वीट किया है, इतने बड़े बड़े हस्तियों ने मुझे ट्वीट किया है, जो मुझे कभी जानते नहीं है और जिनको मैं कभी जानती नहीं हूँ, मैं केवल नाम सुना है मैंने इनका। लेकिन अफकोर्स सर इतने बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया है तो मेरे बारे में पता किया होगा, मेरे बारे में बैकग्राउंड पता चेक किया होगा, मेरी हिस्ट्री पता की होगी। जब उनको लगा कि नहीं ये लड़की इतने टाइम से कर रही है, डॉक्टर है, मेडिकल कॉलेज में सब जानते हैं, और इसका नक्सली बैकग्राउंड कैसे हो सकता है, इतना तो दिमाग होगा या पढ़ी लिखी है, तो जब उनको बिलीव हुआ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है और किसी की मदद करना, हेल्प करना नक्सलवाद नहीं कहलाता, जब उन्होंने ट्वीट किया तो मुझे सर बहुत कॉन्फिडेंस आया। ये मुझे करीब 10 तारीख की रात में मुझे पता चला था, करीब 11 बजे कि जब मेरे पास फॉरवर्ड आया एक कोई मैसेज कि तनखा जी ने ट्वीट किया है, और मॉर्निंग में मुझे एक वीडियो मिला, तो रियली मैं तब बहुत कॉन्फिडेंट फील हुई कि जो मुझे जानते तक नहीं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और जो मुझे जानते थे उन्होंने बिल्कुल भी मुझे निग्लेक्ट किया। तो ये दोनों अच्छे बुरे दोनों पहलू मैंने सीखे इस इंसिडेंट। अच्छा, बसपा जो प्रमुख है कहीं ना कहीं वो बहुजन समाज की आवाज उठाती है, और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि बसपा ने काफी आवाज उठाई, लोगों को जागरूक किया है। आपके मामले में अभी तक कोई आपको सपोर्ट मिला है बसपा की तरफ से? हाँ, मैं जबलपुर में चुकी रहती हूँ, तो जो मेरे भाई जैसे हैं लखन अहिरवार जी, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, कई बार मैंने उनकी मदद की है, जैसे किसी उनके पहचान वाले हैं उनका इलाज कराना है, या कभी मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिट कराना है, तो इस तरह से मैं करती रहती हूँ उनकी छोटी छोटी मदद। उनका फोन आया कि बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। फिर नेक्स्ट डे मुझे न्यूज़पेपर में उनकी एक वो भी दिखी थी वक्तव्य कि हम बहन जी के साथ है, पूरा बीएसपी बहन जी के साथ है और उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। फिर मेरे कुछ भाई हैं ग्वालियर में भी हैं, कुछ भाई जो बीएसपी से जुड़े हैं लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं कि मैं पड़ोसी ही हैं, तो उनके भी फोन आने लगे कि बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत करना और कोई गड़बड़ी नहीं होगी और आपको ऐसे नहीं फंसा सकते ये लोग। जी जी, लेकिन आपके आस पड़ोस के लोग, मुझे तो ऐसा जानकारी मिल रही है कि कुछ ऐसे संगठन है जो हिंदूवादी संगठन कहलाते हैं, वो लोग आपके खिलाफ में मैंने देखा प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पे उन्होंने कुछ रैली वगैरह निकाली। जब तक कोई जांच, मैडम जब तक कोई जांच सामने नहीं आ जाती, कोई दोषी साबित नहीं हो जाता है, तब तक ये लोग क्या क्यों निकल जाते हैं किसी के पीछे, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए? जो पीड़िता है, जो पीड़िता का जो पक्ष है, मनीषा वाल्मीकि के साथ जघन्यता हुई ये सबने देखा, आधी रात को उसे जला दिया गया ये सबने देखा, उसके खिलाफ में किन लोगों ने जलाया और क्यों जलाया गया, किन लोगों ने अपराध किया, ये लोग कभी उसके खिलाफ में नहीं खड़े हुए। आप पे आरोप लग गया, आपके आपके खिलाफ में आ गए, आप कैसा लग रहा है? आप खुद दहशत में होंगे वहां पे तो जबलपुर। सर पहली बात तो ये है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो गलत नहीं किया है तो मैं कभी डरी नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ मैं। और दूसरी बात सर ये थी कि एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जो मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कई लोगों को नहीं पता है। 14 तारीख की शाम को एक यहाँ पर रद्दी चौकी चौराहा है, तो वहां पर एक श्रद्धांजलि रखा गया था कार्यक्रम, और कैंडल मार्च रखा गया था, तो उसके लिए मुझे इन्वाइट किया गया था, तो इन्वाइट किया था तो उसके लिए 13 तारीख को ही मेरे पास मैसेज और फोन आ रहे थे कि मैडम हम आपको जानते हैं और आप इतना अच्छे से काम करते रहते हो, आप हाथरस भी गए थे हमें पता चला, और आप हमारे पास बीच में 10 मिनट के लिए आप आइए, हमारी महिलाएं आपको देखना चाहती हैं, आपको सुनना चाहती हैं, उनका हौसला बढ़ेगा अगर आप आएंगी तो, वो भी थोड़ा सड़कों पे निकलने की हिम्मत करेंगी, तो इस तरह से वो रिक्वेस्ट कर रही थी। और हमने आपके फेवर में ना ज्ञापन भी दिया है, तो उसमें डॉक्टर भावना दीक्षित और एडवोकेट रंजना कुरारिया मैडम जो जबलपुर में ही मेरी फ्रेंड सर्कल में है, उन्होंने मुझे इस तरह से रिक्वेस्ट करी, तो मैंने कहा ठीक है मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं पक्का आऊंगी, और मैंने कहा बाकी आप अपना कार्यक्रम चलाते रहिएगा और मेरा इंतजार मत कीजिएगा। फिर मेरे को जब टाइम मिला, मैंने ड्यूटी करी अपनी 14 तारीख को 4 बजे तक, 4 बजे के बाद फिर मेरे को टाइम मिला, मैंने पूछा कि कब से कब तक आना, तो उन्होंने बोला था 4 से 6 के बीच में आप कभी भी आ जाइए। मैं गई शायद 5 बजे मैं वहाँ पहुंची हूँ, मैं वहाँ पहुंची तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पर काफी महिलाएं, और उसमें मुस्लिम महिलाएं काफी थी जो बुर्का पहने हुए थी, तो वो मुस्लिम महिला थी, तो मैंने पूछा भी भावना दीक्षित मैडम से कि मैडम ये अपनी हिंदू कम्युनिटी की तो नहीं लग रही है महिलाएं, तो उन्होंने बोला हाँ अपनी महिलाएं तो घर से बाहर निकलती नहीं है, उनको
तो बड़ी मुश्किल होती नहीं, पर ये महिलाएं मुस्लिम महिलाएं अच्छा सपोर्ट करती हैं, निकली तो मुझे अंदर से खुशी हुई कि हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी के लिए मुस्लिम महिलाएं भी इतना समर्थन कर रही हैं न्याय के लिए, वो भी न्याय के लिए आवाज उठा रही है। तो अच्छा लगा मुझे कि चलो जैसे भलसमण महिलाएं मुस्लिम महिलाएं सब इकट्ठी हो रही हैं तो महिलाओं पर अत्याचार शायद कम होगा अगर हम एकजुट हो जाएंगे। लेकिन मैंने इस तरह से जो मेरी आप भी दी थी कि जहाँ पर आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है और आज मैंने अगर किसी की मदद की तो मुझे नक्सली भाभी बता दिया गया, ये सारा मैंने बताया था सड़क पर ही मैं खड़े होकर माइक लेके सारी चीजें बताई। मुझे नहीं पता था सर वो ट्रैप है, मेरे को फंसाने का एक जाल फेंका गया था। तो फिर मैं जैसे घर आई लौट के 8 बजे करीब एक और कार्यक्रम में मैं शामिल होने गई थी, फिर उसके बाद मैं 8 बजे फ्री हुई तो घर आई। फिर मेरे पास अचानक से मीडिया चैनल्स के फोन आने लगे, 4-5 मीडिया चैनल्स के फोन आए जिसमें GTV, आज तक, वंसल न्यूज, ये लोग लगातार फोन कर रहे थे, IVN7 वगैरह। मैं सबको मनाई कर रही थी मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मेरे को जो बोलना था मैं बोल चुकी हूँ, अब मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है, मैं सबके फोन कट कर रही थी। फिर मुझे पता चला अगले दिन 15 तारीख की सुबह एक क्लिपिंग आती है GTV की, वो मेरे पास अभी भी पड़ी है कि है ना वहां पर वो पिक्चर मेरी 14 तारीख की शाम की पिक्चर को प्लॉट कर दिया कि देखिए ये नक्सली भाभी ये नक्सलवाद फैला रही है, ये तबलीगी जमात से कांटेक्ट में रहती है, तबलीगी जमात की है ये, इस तरह से मुझे डिफेम किया गया। फिर 15 तारीख की शाम को ही मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, मुझे बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, ज्ञापन दिया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है कुछ हिंदूवादी संगठन, वो क्लिपिंग भी आई थी मेरे पास है। तो इस तरह से सारा मैटर हुआ, मतलब वो जानबूझ के वहां पे कुछ लोगों को मेरे ख्याल से बुर्का पहना दिया गया होगा। और हाँ शायद, क्योंकि ये आएगी और फिर इसको मुस्लिम कम्युनिटी या तबलीगी जमात से कनेक्ट करके हम पूरी दुनिया में दिखाएंगे। वो GTV ने उसको प्रचारित भी किया था और मेरा जो सेंटेंस था उसको म्यूट कर दिया था, तो मेरे जो मैंने जो बोला था और उसको पीछे से एंकरिंग की जा रही थी, देखिए ये किस तरह से दंगे फैला रही है, किस तरह से लोगों को भड़का रही है, ये इंसिडेंस हुआ था। अच्छा, वहां पे जो भावना दीक्षित मैडम है उन्होंने आपको बुलाया था, उनको आप जानती थी क्या व्यक्तिगत रूप से? मैं मिली हूँ उनको एक हाथ बार, जैसे कभी कुछ भी काम होता है वो मिलती रहती है, तो मैंने कहा हाँ इतना कि एकदम से मैं बहुत अच्छे से नहीं पहचानती उनको, लेकिन जैसे रंजना कुरारिया मैडम है उनके साथ में मिलती रहती है, तो मेरा बहुत कम इंटरेक्शन हुआ था, वो बता रही थी कि रंजना कुरारिया मैडम, एडवोकेट रंजना कुरारी मैडम से मैंने आपका नंबर लिया। इसका मतलब वो जो मैडम है वो भी उसकी हिस्सा थी? मुझे लग रहा है कि डॉक्टर भावना दीक्षित तो रही थी, फिर मैंने रंजना कुरारिया मैडम को बताया तो मैडम को भी लगा शौक हो गई कि इस तरह से कैसे हो सकता है, इस तरह से ये लोग कैसे कर सकते हैं, ये कितना पीछे पड़ गए हैं। राजकुमारी तुम चिंता मत करो, मैं हूँ और कोई भी बात होगी तो मैं मुझे मेरा नाम बता देना। मैडम बातें बहुत सारी है लेकिन फिर भी मैं देश के लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप बताइए कि यदि किसी के साथ गलत हो रहा है तो क्या उसके पक्ष में आप आवाज नहीं उठाएंगे? कोई आपके पड़ोस में किसी के साथ गलत हो गया या 10 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ आप सक्षम है कि वहां जा सकते हैं तो क्या आप अगर जाएंगे नहीं, क्या यदि जाएंगे तो क्या आपके साथ ऐसा ही होगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या देश आजाद नहीं है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या देश में कानून का कोई राज नहीं है? आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जो रामराज की जो दुहाई दी जाती है, क्या उस रामराज में कोई महिला को इस प्रकार से बदनाम किया जाएगा? आप दोस्तों खुद सोचिए। और एक जानकारी मुझे ये मालूम की है कि आस पड़ोस के लोग भी इनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इनके जो काफी जो क्लोज थे कभी अच्छे से बात करते थे वो भी बात नहीं कर रहे हैं। इतना डर, इतनी जो व्यक्ति के अंदर जो कुंठा है, जिस प्रकार से कोरोना प्रथम चरण भारत में आया था, किस प्रकार से तबलीगी जमात करके हर मुसलमान को गलत साबित करने की जो एक प्लानिंग की गई थी मीडिया के माध्यम से, उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को शंका के घेरे में देशद्रोही या जातिवादी या नक्सलवादी बताकर उसके साथ इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो काफी गलत है। मैडम आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना? अपील करना चाहती हूँ कि अनकंडीशनल आप है ना पीड़ितों के साथ खड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आसपास के लोग सपोर्ट करेंगे तो कभी भी सिस्टम गलत करने की हिम्मत नहीं करेगा। ना जाति धर्म देखे आप, बस अनकंडीशनल सपोर्ट कीजिए और सच को हमेशा सामने लाइए और पीड़ित की मदद कीजिए, आरोपियों के पीछे मत खड़े होइए। आखिरी में तो फिर मैं यही कहूंगा मैडम, जो पीड़ित की मदद करने के लिए जाएगा, जो पीड़ित के पक्ष में खड़ा होगा, आने वाले समय में लगता है कि वो भी आपकी तरह पीड़ित ना हो जाए, ये एक शंका है। और सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि सच की आवाज उठाना क्या गुनाह है, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मीडिया को अधिकार किसने दिया कि किसी एक ईमानदार और एक संवेदनशील व्यक्ति के खिलाफ में इस प्रकार का जो प्रोपेगंडा फैला रहा है
उसके खिलाफ में, मीडिया के खिलाफ में सरकार ने क्या कार्रवाई की है, इस पर भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा जल्द से जल्द।